मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर आर के राजौरिया ने बताया कि 17 सितंबर रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, जिसे थाटीपुर ग्वालियर में स्थित द्वारकाधीश मंदिर में आयुष्मान योजना के हितग्राहियों द्वारा ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण सेजुलकर की उपस्थिति में मनाया गया। इस अवसर पर माननीय सांसद द्वारा हवन पूजन आयुष्मान के हितग्राहियों की उपस्थिति में किया तथा मिठाई व प्रसाद वितरण किया गया। उपस्थित सांसद विवेक नारायण सेजुलकर सहित आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी एवं दीर्घ आयु की भगवान से प्रार्थना की तथा प्रधानमंत्री को सभी ने जन्मदिन की बधाई दी। सांसद विवेक नारायण सेजुलकर ने इस अवसर पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की बीमारी का उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई है। इससे भारत में ऐसे व्यक्तियों को लाभ हुआ है जो पैसे के अभाव में बड़ी बीमारी का उपचार नहीं कर सकते थे। ऐसे व्यक्ति आज इस योजना का लाभ उठाकर स्वस्थ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह योजना चलाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नरेंद्र मोदी ने लगभग 20 वर्षों तक गुजरात की सेवा की और गुजरात को ऊंचाइयों पर ले गए। इसी तरह वर्तमान में वह देश की सेवा कर रहे हैं और देश को उन्नति और ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। हम 2027 उनके साथ देखेंगे, जब हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। हम आज प्रधानमंत्री को पुनः जन्मदिन की बधाई देते हैं। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास खबर। सर, आज का जो आयोजन था किस पर्पज के लिए क्या किया गया? सर, आज हम सबने मतलब मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की, हवन पूजन किया और जो मोदी जी ने चलाई गई योजना जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो भी लोग हैं जिनके कार्ड बने हैं, जिन्होंने कभी उसका लाभ लिया है, सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर पूजा की। मोदी जी को बधाई देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि माननीय मोदी 27 जिस तरह लगातार 20 वर्षों से एक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो देश की सेवा उन्होंने की है, वो सेवा आगे भी करते रहें और हम उनके साथ ही देखेंगे। जब 2047 आएगा, 100 वर्ष आजादी के पूरे होंगे, तो हमारा देश एक विकसित देश के रूप में सारी दुनिया के सामने होगा। मेरी ओर से, मेरे सभी साथियों की ओर से, यहाँ पर इकट्ठा सभी हम लोगों की ओर से फिर से एक बार हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।